फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बेबी को पॉटी नहीं हो रही है, उसके पेट में गैस हो रही है तो क्या करें ऐसा कि उसके पेट की गैस निकल जाए और वो अच्छे से पेट साफ हो जाए उसका और वो खुश हो जाए। क्योंकि भरा हुआ पेट होता है, भारी पेट होता है तो बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, रोते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। हम तो बड़े हैं, हमें ही इतनी तकलीफ होती है जब पेट में गैस होती है, तो बच्चों को भी होती ही है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार हमें बाहर जाना होता है, हम बेबी को डायपर शायपर पहना के रेडी हो जाते हैं, लेकिन बच्चा पॉटी नहीं किया है और उसी समय कर लेता है, तो बड़ा इरिटेशन जैसा भी लगता है। तो क्या ऐसा उपाय हम कर सकते हैं कि बच्चे की पेट की गैस निकल जाए और वो तुरंत पॉटी कर ले और वो पेट हल्का होने के बाद अच्छे से खुश खुश रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें ये बात है, मगर हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ जो सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि सबसे पहली बात है कि ये जो मैं बताने वाली हूँ तरीका, ये बेबी को फीड कराने के पहले का है। मतलब बेबी को फीड करा दिए हैं, उसका पेट भरा हुआ है, उस समय आप ये मत करिएगा। उसके दो फीड के बीच का जो समय है या फीड के पहले का जो टाइम है उसमें आप उसको ये करवाइए। इससे वो क्या है कि उसके पेट की गैस निकल जाएगी और दूसरे कि वो पॉटी कर देगा। लेकिन हाँ, जैसे कि आप और भी सब जगह सब कहते होंगे जायफल दे दो या कुछ दे दो, मगर याद रखिएगा कि जायफल आप 6 महीने के बाद ही दे सकते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे का पेट का गैस कैसे निकाले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, देखते रहिएगा। डॉल को एक्सरसाइज करा के मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे बच्चे की पेट की गैस निकाल सकते हैं। देखिए, अज्यूम करते हैं कि ये बच्चे का पेट है, ये पूरा फूला हुआ है। तो इस केस में सबसे पहला एक्सरसाइज फिर से रिपीट करती हूँ, बिफोर फीड, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए बच्चे का। इस तरह उसके पेट पैर को सीधा कर दीजिए। सीधा करने से क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर पड़ता है पेट का और बच्चा नीचे से गैस निकाल देगा, मुंह से नहीं निकालेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो इस तरह इसको बार बार करवाइए, 1-2 ऐसे 6 बार इसको कम से कम कराइए। उसके बाद ये पैर उस समय सीधे होने चाहिए बच्चे के। ये हुआ एक एक्सरसाइज जिसमें वो बच्चा आराम से गैस पास कर देता है। दूसरा एक्सरसाइज है, ये इस तरह एक पैर को उठाइए और पेट तक पैर को ऐसे मोड़ के पेट तक लेके जाइए ऐसे। ये मतलब कि जो नीज है बच्चे की, ये सुंडी के आसपास तक पहुंच जाए। फिर ऐसे पैर सीधा कर दीजिए एक पैर को, फिर दूसरे पैर को लीजिए और ये इस तरह पेट की तरफ ले जाइए। पैर मुड़े हुए रहेंगे इसमें पैर सीधे नहीं रहेंगे, ये इस तरह रहेंगे, फिर सीधा करके आप नीचे कर दीजिए। ये इस तरह आप जब करेंगे तो बच्चे का पेट पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से वो गैस रिलीज कर देगा और वो पॉटी कर लेगा। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि दूध पिलाने के बाद में ये एक्सरसाइज नहीं करना है, ये दो फीड के बीच में करना है या फीड के थोड़ी देर पहले करना है। ये इस तरह जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पेट की गैस निकल गई है और वो खुश हो गया है, उसका पेट हल्का हो गया है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। ट्राई जरूर करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा काम किया कि नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे जब छोटे थे तब मैं ये करती थी, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इसे ही मैं बच्चा मान के इस पे डेमो दिखाती हूँ। तो आई होप करती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा, और अगर हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब फिर से याद दिला रही हूँ करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक्स, बाय बाय।